को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस पर जो फोकस किया गया, तो प्रधानमंत्री की जरूर ये अपेक्षा रहेगी। हो सकता है उसकी वो चर्चा भी करें विद्यार्थियों से, इसमें किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर सकते हैं। और खासतौर से वो लगातार उनकी ये कोशिश भी रहती है कि वो सुझाव लेते रहें इस बारे में, वो लगातार वो चर्चा भी करते रहते हैं अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। और उन्होंने कहा भी है कि जितनी ज्यादा इस विषय पर चर्चा होगी, जितना ज्यादा मंथन होगा, भविष्य की रणनीतियों के लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी बनाने के लिहाज से काफी वो महत्वपूर्ण रहता है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर जरूर नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर खास तौर से क्या कहते हैं। और एक जो एरिया बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री फोकस करते रहे, जो शिक्षा की जो बात रही, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया गया, और बीते 5-6 वर्षों की भी अगर बात की जाए तो वो इनोवेशन नवाचार का जी क्षेत्र रहा है। हमको पता है जया कि स्टार्टअप के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम वाले देश के तौर पर अगर कोई देश उभरा है तो वो भारत देश उभरा है, और लगातार नए स्टार्टअप बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और खास तौर से युवा जो इनोवेशन कर रहे हैं उन इनोवेशन को ये स्टार्टअप प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर नहीं थमना है, ये इनोवेशन अटल टिंकरिंग लैब जैसे कार्यक्रमों के जरिए बुनियादी शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में शामिल हो, तो हाई एंड रिसर्च को भी प्रोत्साहित किया जा सके, ये प्रधानमंत्री की अपेक्षा रहती है। और खास तौर से उनका ये आग्रह विश्वविद्यालयों से भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी रहता है। इस बारे में प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, क्योंकि इनोवेशन आज उनका जो दूसरा कार्यक्रम भी है वो हालांकि स्वास्थ्य के विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक अहम विषय जरूर रहेगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनोवेशन किस तरह से किया जा सकता है। और मैसूर विश्वविद्यालय सहित देश के जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, इनोवेशन को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, विद्यार्थियों को उसके लिए क्या कैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। एक तरफ विद्यार्थी बेहतर तरीके से रिसर्च कर सके, तो दूसरी तरफ उनके रिसर्च को इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके, तो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो कोलैबोरेशन है, जो सहयोग है, वो गठजोड़ बन सके। ये तमाम चीजें ऐसे विषय हैं जिन पर प्रधानमंत्री लगातार प्रकाश डालते रहे, और हमने देखा कि बीते वर्षों में कई इनोवेटिव तरीके से कई दीक्षांत समारोह हुए। मसलन हाल ही में आईआईटी बॉम्बे का दीक्षांत समारोह हुआ था। कोरोना महामारी के बिल्कुल वजह से विद्यार्थियों का या तमाम लोगों का एक मंच पर जुटे रहना मुश्किल था, लेकिन उसको वर्चुअल तरीके से इस तरह से वो समारोह आयोजित किया गया कि वो ऐसा लग रहा था कि विद्यार्थी खुद उस मंच पर मौजूद हो, और प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ भी की थी। तो इस तरह के इनोवेशन भारत जो बीते 5-6 वर्षों में वो पूरा जो इकोसिस्टम तंत्र तैयार हुआ है, उस तंत्र को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में